हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको पिछले वीडियो में बना के दे दिया हूँ। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो ए जी एक्स बराबर एक्स माइनस इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलिएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या मीनिंग होता है? जैसे 1 पॉइंट हम 99 लिख दिए, तो पॉइंट के इधर जो फुल डिजिट नंबर है 1 उसको लिखेंगे। 0.8 के यहाँ पे इधर 1 है, 3.2 है तो 3 लिखेंगे, 5.7 है तो 5 लिखेंगे, -1.3 है तो -1, एक कम हो रहा है -2 हो जाएगा, -2.4 है -3 हो जाएगा, -7.9 है -8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को बनाना है। तो एट एक्स बराबर दिया रहता है, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो हम एक्स बराबर कोई नंबर मान लेते हैं। जैसे एट एक्स बराबर हम ए मान लिए, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा। पहले ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, निगेटिव लिखने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे जी एक्स हो गया। तो जी एक्स के जगह पे आप क्या लिख पाइएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए पर निगेटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पुट कर दीजिए, पुट एक्स बराबर ए माइनस एच, ऐसा इसलिए पुट कर दिए एक्स बराबर ए माइनस एच, यानी ए हमारा हो गया निगेटिव वैल्यू, इसलिए लिए हैं क्योंकि जो भी वैल्यू हम ए रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा कम होगा और राइट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा होगा। तो एच एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही कम घट रहा है। जैसे ए अगर हम 5 लेते हैं तो ए हम लेते हैं 0.1 लेते हैं, एच हमारा छोटा वैल्यू है, ए हमारा बड़ा वैल्यू है। अब इस समय जब भी पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करता है। अब एक्स टेंस टू ए यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन एक्स टेंस टू ए, जब एक्स के जगह ए लिखेंगे कराए, देन एक्स ए कट जाएगा तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जी एक्स के जगह पे ही टोटल लिख देंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी इसके एक्स के जगह पे आप क्या लिख पाइएगा? एक्स के जगह पे लिखेंगे ए माइनस एच, तो यहाँ ए माइनस एच लिख दिए, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए माइनस एच लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे ए माइनस एच माइनस, जब ये हटेगा ए माइनस एच, ए माइनस एच हटेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? सवाल ये आता है, तो जब भी a माइनस एच हटेगा तो यहाँ पे हम लोग a माइनस 1, चूँकि एक डिजिट हम लोग को कम करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे माइनस 1 है तो क्या लिखा गया है? एक डिजिट कम किए हैं, यानी माइनस 2 लिखे हैं, माइनस 2 है तो क्या लिखे? माइनस 3 लिखे हैं। ठीक उसी तरह a माइनस एच है तो a माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो a माइनस एच माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1, ए और ए कट गया, एच टेंस टू जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो माइनस 0 प्लस 1 इजक्ल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा प्लस 1 आया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं वो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं इधर। राइट हैंड लिमिट देखेंगे क्या है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, और यहाँ पे जी एक्स जो है तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स बराबर, यानी एक स्टेप लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दिए एक्स माइनस, इतना लिख दिए, यहाँ पुट कर देंगे, पुट एक्स बराबर ए प्लस एच कराए, वेन एक्स टेंस टू ए करा देन एच टेंस टू जीरो, पुट कर दिए। अब इसमें रखें लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एक्स के जगह ए प्लस एच रखे हैं,
यहाँ भी अंदर a प्लस एच रखेंगे। अब a प्लस एच में जैसे यहाँ पे हम लिखे थे अभी 2.3, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 और प्लस 0.3, तो a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, और h का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे 2 ना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एच में सिर्फ जब बाहर निकलेगा तो आपका क्या देगा, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस, यहाँ से सिर्फ आपको a प्राप्त होगा। तो a a और a कट गया, h के जगह क्या पुट करिएगा 0, तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका बराबर नहीं है। एंड लास्ट में हम जी एक्स बराबर दे रहा है x माइनस इतना, अब इसमें x के जगह हम पुट करेंगे a, तो a माइनस यहाँ भी a, तो 0 a और माइनस a सिंगल है तो a कट के 0 आ गया। जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको बताए हैं बार बार, जब यहाँ पे 2 रहे तो यहाँ पे सीधे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहे तो सीधे 5 आ जाएगा, बात समझे। तो उसी तरह a है तो सीधे a आ गया, a और माइनस a कट के क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1, राइट हैंड लिमिट आया 0 और e आया 0, तीनों बराबर नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो एक के बराबर होने से नहीं होगा, तीनों को इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, सो दैट करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या इसी को लिखेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लिखने का सब तरीका अलग अलग है, इसीलिए कंटिन्यूअस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बात दिखाना है इस क्वेश्चन में कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो। कैसा फंक्शन दिखाना है इसको, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम आपको बताए हैं कि कोई भी बहुपद कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस एफ एक्स बराबर, खूब ध्यान से समझिए, इस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 को एक साथ ले लीजिए और माइनस साइन एक्स यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। ये आपको कैसा फंक्शन है, पॉलीनोमियल, ये फंक्शन हो गया पॉलीनोमियल बहुपद। हम नोट में लिखाए थे कि जितने बहुपद फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और साइन एक्स का ग्राफ दिखाए थे आपको, ऐसे चलता है साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से, तो ये भी तो कंटिन्यूअस होता है। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटाते हैं तो रिजल्ट कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ते हैं तो रिजल्ट कंटिन्यूअस होता है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये बहुपद है, कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। सो यहाँ डिस्कस करना था, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस और एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 भी कंटिन्यूअस। सो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। आप जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करिए कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक पॉलीनोमियल बना दिए थे और एक साइन है, दोनों कंटिन्यूअस है और बीच में माइनस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग देखेंगे 21 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। हो गया,
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ए में लिख रहा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी में क्या कह रहा है, साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और तीन नंबर में क्या कह रहा है सी में, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको एक कंसेप्ट हम बताए हैं कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पे देखिए, इसको डिस्कस करना है। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, जीरो से चला, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है। ये क्या है, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, वाई बराबर साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड दूसरा जो है कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस जीरो का मान वन होता है, इसीलिए ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट वन से चलता है। तो यहां पे हो जाएगा ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, वाई बराबर कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। आप समझिए कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ आपको क्या बताए थे। मान लीजिए ये आपका जो भी फंक्शन हो, जी एक्स मान लीजिए, एच एक्स मान लीजिए, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताए थे, कंटिन्यूअस होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव भी कंटिन्यूअस होता है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी कंटिन्यूअस, ए भी कंटिन्यूअस, सो इसीलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन याद रखना है। ए भी कंटिन्यूअस और ए भी कंटिन्यूअस, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव भी क्या होता है, तो ए भी होता है, इट इज कंटिन्यूअस, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत लंबा, इसको बेकार के खटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िएगा तो हमेशा इजी वे में पढ़िएगा। अदरवाइज अगर किसी का सोल्यूशन देखते हैं, कहीं से सोल्यूशन आप देखते हैं या उतारते हैं, तो ये सब तरीका नहीं मिलेगा आपको, उसमें पूरा हल करके दिया होगा, ए एक्स बराबर ए मान के लेफ्ट राइट करके, बहुत लेंथी प्रोसेस, और ये आसान प्रोसेस है, इसको अपनाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी 22 नंबर में, कोसाइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, उसके बाद कोसेकेंट, उसके बाद सेकेंट, और उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में कोटेंजेंट। यहाँ पे टोटल क्या गो फंक्शन है, चार, कॉस कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट। तो आप जानते हैं कि कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं, जैसे इसको कोसेकेंट लिख दिए तो कोसेक एक्स लिख दिए, और इसको हम लोग सेकेंड को सेक एक्स लिख दिए, और इसको हम लोग कॉट एक्स लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए, कॉस एक्स तो आपको मालूम है कि कॉस एक्स का ग्राफ अभी बताए हैं, कॉस एक्स का ग्राफ अभी बताए हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स कोई रियल नंबर हो, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसको लिख दिए कंटिन्यूअस,
और ए आपका जो हो गया कोसेकेंट 1 बाई साइन एक्स, क्या लिख दिए 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो अगर हो जाएगा तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए साइन एक्स जीरो यहाँ नहीं होना चाहिए, और ए भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन। ए भी आपका हो गया कंटिन्यूस, एनी रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो, एक कंटिन्यूस फंक्शन आपका होगा। सेकेंड 1 बाई कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स ए भी कैसा फंक्शन? कंटिन्यूस। कॉट एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, आप जानते हो कि कॉस भी कंटिन्यूस फंक्शन और साइन भी कंटिन्यूस फंक्शन, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का भाग भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। आपको हम पिछले वीडियो में इस सबका बताए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कंटिन्यूस फंक्शन आप लोग जांच सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो क्या कह रहा है। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है साइन एक्स बाई एक्स ई करा इफ एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस वन ई करा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उस पॉइंट को ज्ञात करना है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पॉइंट को ज्ञात करिए जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब वो पॉइंट ढूंढना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो लिखेंगे नो पॉइंट, नो एनी पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो एट एक्स बराबर कितना पर चेक करेंगे? जीरो पे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स लेस देन जीरो, लेस देन के लिए क्या है साइन एक्स बाई एक्स, और साइन थीटा बाई थीटा आपको बताया गया था लिमिट का थ्योरम वन होता है, तो ये बराबर कितना हो गया वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स लेस ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन के लिए क्या है एक्स प्लस वन, एक्स के जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो प्लस वन बराबर वन। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, एक्स बराबर जीरो तो एक्स प्लस वन हुआ, एक्स के जगह जब हम रखेंगे जीरो तो ये जीरो प्लस वन इजकल टू वन। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। तो कोई भी इस पर ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको डिसकंटिन्यूस कर दे, तो नो पॉइंट, नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स साइन वन बाई एक्स, कह रहा है इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पर कह रहा है इफ एक्स इजकल टू जीरो। जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ दो केस बनेगा, या तो एक्स बड़ा या तो एक्स छोटा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको भी हम लोग लेंगे एट एक्स बराबर कितना पे? जीरो पे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो, तो लेस देन के लिए भी यही फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स, ये कहीं से कटने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में एक्स के जगह जब जीरो पुट करेंगे टोटल जीरो,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर साइन वन बाई जीरो इजकल टू जीरो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन, तो इसमें भी पुट करेंगे एक्स के जगह जीरो, टोटल जीरो, और एक्स बराबर जीरो पर जीरो। तो फंक्शन में जब जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ ए तीनों इक्वल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। एट एक्स बराबर कितना पे, जीरो पे, नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। करा एफ एक्स बराबर, इसको भी जांच करना है कि कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। कॉस एक्स, करा इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, करा माइनस वन इफ एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसमें भी दो केस बनेगा, एक्स लेस देन जीरो का और एक्स ग्रेटर देन जीरो का। तो एट एक्स बराबर जीरो पर ही इसको भी चेक करेंगे हम लोग, लिखेंगे एट एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो, लेस देन के लिए फंक्शन ऊपर वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब एक्स के जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, जीरो माइनस वन इजकल टू माइनस वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, जीरो माइनस वन बराबर माइनस वन। आ एक्स बराबर जीरो पर माइनस वन, फंक्शन में जब जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों बराबर, तो क्या बोलेंगे, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 26, 26, एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स बटा पाई माइनस टू एक्स, करा इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री इफ एक्स इजकल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दो केस बनेगा, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, एक्स लेस देन पाई बाई टू। एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू डैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, एक्स लेस देन पाई बाई टू। यहाँ पे देखेंगे, हियर एट एक्स बराबर पाई बाई टू, खूब ध्यान से देखेंगे पाई बाई टू पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ठीक है ना, एक्स टेंस टू पाई बाई टू
और यहाँ पे हम x लेस देन पाई बाई टू, क्या होगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। इस कंडीशन में अगर x के जगह आप डायरेक्ट पाई बाई टू पुट करते हैं तो सब कट के जीरो हो जाएगा, तो k का मान नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ध्यान दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x बराबर पाई बाई टू माइनस एच। एच कोई वैल्यू है जो पाई बाई टू में से लेफ्ट हैंड साइड में से थोड़ा कम हो रहा है। अब x यहाँ पे जब चेंज किए तो यहाँ पे चेंज हुआ, x टेंस टू पाई बाई टू, जब x किधर टेंस कर रहा है पाई बाई टू के तरफ, जब x पाई बाई टू हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल होके h टेंस टू क्या होगा, जीरो। इसीलिए लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पे k cos x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एच बटा पाई माइनस टू एक्स के जगह पाई बाई टू माइनस एच पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो k और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, आपको मालूम है साइन एच हो जाएगा, बटा में पाई माइनस, इसमें गुना कर दो 2 इंटू पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस 2h, कट गया माइनस पाई से पाई भी कट गया, k और 2 कांस्टेंट है तो k और 2 कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई एच, और साइन एच बाई एच का मान 1 होता है, इसीलिए k बाई टू इंटू वन इजकल टू k बाई टू हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाले, अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया तो राइट हैंड लिमिट में जैसे यहाँ पे माने हैं पाई बाई टू माइनस एच, वहाँ पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, मिटाते हैं, वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू और एक्स लेस देन पाई बाई टू, फंक्शन वही हो जाएगा के कॉस एक्स बटा पाई माइनस टू एक्स। पुट कर दीजिए एक्स बराबर पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच लिखेंगे वेन एक्स टेंस टू पाई बाई टू h टेंस टू जीरो, जब x के जगह पाई बाई टू डालोगे तो h जीरो हो जाएगा, उसमें रखिए। लिमिट h टेंस टू जीरो k cos x के जगह पे पाई बाई टू प्लस एच बटा पाई माइनस टू एक्स, एक्स के जगह पे पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो के और कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना, एच है बटा ये दो से दो कैंसिल होगा पाई से पाई, माइनस एच बचेगा, तो ये आपका बच गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के साइन एच बाई माइनस एच। माइनस माइनस कट गया, के बाई एच आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ पे के को बाहर कर लिए, यानी के बाई टू बाहर आना चाहिए, ये टू से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू एच आएगा, ठीक है। तो के बाई टू जब बाहर आ गया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पे साइन एच बाई एच, के बाई टू गुने वन इजकल टू के बाई टू। लेफ्ट हैंड लिमिट भी के बाई टू, राइट हैंड लिमिट भी के बाई टू। अब एक लास्ट है फंक्शन ऑफ ए, उसको देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, जब फंक्शन में एक्स के जगह पे पाई बाई टू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा इसके सामने, थ्री, थ्री लिख दिए।
ये ऑलरेडी कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग ऊपर, ऑलरेडी कह रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है, इसमें के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का जब वैल्यू ज्ञात करना है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए पाई बाई टू, तीनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका के बाई टू, राइट हैंड लिमिट के बाई टू आई इजक्वल टू फंक्शन ऑफ ए थ्री। तो ये दोनों में से कोई एक लो के बाई टू इजक्वल टू थ्री, के इजक्वल टू सिक्स आपका आंसर हो गया, के बराबर सिक्स नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। एफ एक्स बराबर यहाँ लिख रहा है के एक्स स्क्वायर करा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, करा थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन टू। ध्यान दीजिए इसमें भी हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। तो एट x इक्वल टू आपको 2 दिख रहा है, a का मान 2 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव का मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कौन है लेस देन, ये है k एक्स स्क्वायर, निगेटिव नहीं लिखे यही लिखो। तो यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है, x के जगह 2 पुट करेंगे तो 4k हो जाएगा, 4k। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 2 और x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन के लिए 3 है, कांस्टेंट कांस्टेंट उतर जाता है। फंक्शन ऑफ a, a का मान 2 है, जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना 4 x रखेंगे तो यहाँ k x स्क्वायर, x के जगह पे रखेंगे 2, 4 k हो जाएगा। अब यहाँ k का मान निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a 2, तो ये हो गया 4k, 4k इजकल टू ये 3 है इजकल टू 4k। तो ये 4k, 4k में से कोई एक ही लेंगे, 4k इजकल टू 3, k इजकल टू 3 बाई 4। इसी तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद, 28 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रहा है, आप खुद से बना सकते हैं। आप 28 नंबर क्वेश्चन प्रयास करिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है 28 नंबर बनेगा, 29 नंबर भी ऐसे ही है बनेगा, और 30 31 नंबर क्वेश्चन जो भी है ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।